नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के यानी कि 28 जुलाई के कुछ एक महत्वपूर्ण एजुकेशनल अपडेट्स के बारे में, जिसमें जो है वो आपके मेन अपडेट्स यहाँ पे रहने वाले हैं। तो यहाँ पे HP ने जो है वो UG री अपेयर का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया है, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहेगा। इसी के साथ सिद्धार्थ पटेल यूनिवर्सिटी मंडी ने UG PG BEd के जो अभी एंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम होने हैं उनकी डेट शीट जो है वो जारी कर दी है, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो बात करेंगे। इसी के साथ हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी कि UG और PG की काउंसलिंग के रिगार्डिंग यहाँ पे अपडेट्स जो हैं वो रहेंगे। इसी के साथ प्रदेश के इंजीनियरिंग कॉलेजों में शुरू किया जाएगा PhD कोर्स, तो इसके रिगार्डिंग भी जो है बात करेंगे। साथ में ही HP CBCS PG की डेट शीट में जो जेनेरिक सब्जेक्ट हैं उनकी डेट शीट जो है वो कहाँ पर मिलेगी, इसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहेगा। इसी के साथ HP UG PG री इवेल्यूशन रिजल्ट जो है वो कब तक जारी होता है, उसके रिगार्डिंग भी जो है वो बात करेंगे। इसी के साथ ITI में काउंसलिंग जो है वो आज से शुरू होने जा रही है, तो उसके रिगार्डिंग अपडेट रहेगा। साथ में ही हॉस्टल सुविधा के लिए विद्यार्थियों से HPU ने मांगे ऑनलाइन आवेदन, तो इसके बारे में भी जो है वो बात करेंगे। साथ में ही हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला ने टैट की जो आंसर की है वो जारी कर दी है, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर की बात करें, तो हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर में जो है वो बी फार्मेसी की 115 सीटें आवंटित। तो हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर में वीरवार को बी फार्मेसी के लिए काउंसलिंग हुई, जिसमें 115 अभ्यर्थियों को सीटें जो है वो आवंटित की गई। जिन अभ्यर्थियों को सीटें आवंटित हुई हैं उन्हें जो है वो संबंधित कॉलेज में 31 जुलाई शाम 4 बजे तक रिपोर्ट करनी होगी और एडमिशन लेनी होगी। अगर वो वहाँ पर रिपोर्ट नहीं करते हैं और एडमिशन नहीं लेते हैं तो उनकी सीट को जो है वो खाली मान लिया जाएगा। इसी के साथ जो दूसरे UG और PG के कोर्सेज हैं उनकी काउंसलिंग्स भी जो है वो अभी स्टार्ट होने जा रही है। इसके रिगार्डिंग जो कंप्लीट यहाँ पे शेड्यूल है आप लोग जो है वो हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो प्रदेश के इंजीनियरिंग कॉलेजों में शुरू किया जाएगा PhD कोर्स। शहीद विक्रम बत्रा कॉलेज में ओप का कैंपस खोला इंजीनियरिंग कोर्स शुरू करने की योजना। तो प्रदेश के इंजीनियरिंग कॉलेजों में PhD कोर्स शुरू किया जाएगा। इंजीनियरिंग कॉलेज यहाँ पे सुंदरनगर, नगरोटा बंगवा, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बिलासपुर ज्यूरी में भी ये कोर्सेज जो है वो शुरू होंगे। टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर की जो यहाँ पर एकेडमिक बैठक थी उसमें जो ये निर्णय है वो लिया गया। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका ITI में जो एडमिशन्स होनी है उनसे संबंधित रहने वाला है। तो ITI में काउंसलिंग आज से प्रदेश भर में 27,000 सीटों के लिए 30,000 छात्रों ने किया है आवेदन। तो हिमाचल प्रदेश की सरकारी व प्राइवेट ITI में पढ़ाई करने वाले इच्छुक छात्रों को प्रवेश का अवसर दिया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड की ओर से प्रदेश भर की सरकारी व निजी ITI में छात्रों के लिए 28 जुलाई को सीटों का आवंटन किया जाएगा। प्रदेश भर में कुल 256 ITI में 27,000 सीटें हैं, वहीं 130 सरकारी व 125 प्राइवेट ITI हैं। ITI में प्रवेश के लिए प्रदेश भर में लगभग यहाँ पे 30,000 के करीब विद्यार्थियों ने आवेदन किया है, जिसमें 29,000 छात्रों ने चॉइस के साथ संस्थान का रेफरेंस भी दिया है। इसमें सरकारी ITI के लिए 17,700 के करीब और निजी ITI में 10,000 के करीब विद्यार्थियों ने रेफरेंस दिया है। इसके बाद आप टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड की ओर से 28 जुलाई को छात्रों को सीटें आवंटित की जाएगी। चयनित हुए छात्रों को संबंधित ITI में 3 अगस्त तक जो है वो रिपोर्ट करनी होगी, और वहीं जो दूसरे राउंड की यहाँ पर काउंसलिंग होगी वो 21 अगस्त को जो है वो करवाई जाएगी। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी से संबंधित रहने वाला है। तो मेडिकल कॉलेज में MBBS की 870 सीटों की काउंसलिंग कल से, तो कल से जो है वो यहाँ पे MBBS की काउंसलिंग जो है वो स्टार्ट होने जा रही है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला से संबंधित रहने वाला है। तो हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला ने जो यहाँ पे टैट के एग्ज़ाम हुए थे उनकी जो आंसर की है वो जारी कर दी है। तो जो भी अभ्यर्थी हैं वो अपनी आंसर की यहाँ पर हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला की वेबसाइट पर जाकर जो है चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका HP हॉस्टल से संबंधित रहने वाला है। तो हॉस्टल सुविधा के लिए विद्यार्थियों से HP ने मांगे ऑनलाइन आवेदन। आज से शुरू होगी ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया, 19 अगस्त तक किए जा सकेंगे आवेदन। तो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ने एकेडमिक सेशन 2023-24 के लिए विद्यार्थियों जिसमें जो गर्ल्स और बॉयज़ दोनों को हॉस्टल सुविधा के लिए ऑनलाइन आवेदन जो है वो यहाँ पर जारी कर दी गई है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुक्रवार से शुरू होगी और आवेदन की अंतिम तिथि जो है वो 19 अगस्त तय की गई है। MA MSc MCOM इसी का JMC MBA MCA BEd MEd MTech MTA इसी के साथ आपका LLB MA डिफेंस स्ट्रेटेजिक स्टडीज MA लिट BLIT आदि प्रथम सेकंड और जो भी यहाँ पे सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनको ये हॉस्टल की सुविधा जो है वो यहाँ पे दी जाएगी। तो जितने भी हॉस्टल के लिए अप्लाई करना है वो आज से जो है वो अप्लाई कर दे और बाद में जो है वो मेरिट के आधार पे यहाँ पे हॉस्टल की सुविधा जो है वो मिलेगी।
नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी से संबंधित रहने वाला है। तो यहाँ पर सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी ने जो है वो यूजी पीजी और बीएड के जो टर्म एंड के एग्ज़ाम होंगे यहाँ पर उनकी जो डेट शीट है वो जारी कर दी है। तो ये एग्ज़ाम जो है वो यहाँ पर 7 अगस्त से शुरू होने जा रहे हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख लो बीबीए बीसीए एलएलबी बीएड की जो सारी डेट शीट है वो यहाँ पर आ गई है और जो एग्ज़ाम है वो यहाँ पर 7 अगस्त से शुरू जो है वो होंगे। और इसी के साथ जो रेगुलर और रीअपेयर की जो दोनों की डेट शीट है वो यहाँ पे दोनों की डेट शीट जो है वो जारी हो गई है। तो आप लोग ये डेट शीट जो है वो सिद्धार्थ पटेल यूनिवर्सिटी मंडी की वेबसाइट पे जाके जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। बाकी आप लोगों के एग्ज़ाम जो है वो 7 अगस्त से यहाँ पर शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट अब अगर हम लोग यहाँ पे हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की जो डेट शीट है उसकी बात करें तो यहाँ पे एचपी ने भी जो है वो कुछ एक डेट शीट जारी करी है। तो यहाँ पे एचपी ने एमए इकोनॉमिक्स इंग्लिश हिंदी हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन संस्कृत सोशियोलॉजी एमएससी मैथमेटिक्स और एमकॉम सेकेंड सेमेस्टर के जो रेगुलर और फर्स्ट सेमेस्टर के जो रीअपेयर के स्टूडेंट हैं उनकी डेट शीट जो है वो यहाँ पर जारी कर दी है। तो ये सारी डेट शीट जो है वो आप लोग एचपी की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हो। बाकी यहाँ पे कुछ एक स्टूडेंट जो है वो मुझसे पूछ रहे थे कि उनकी जेनेरिक की डेट शीट वहाँ पर उनका जो जैसे हिस्ट्री है तो हिस्ट्री शो नहीं हो रही है, उन्होंने हिंदी का जेनेरिक सब्जेक्ट लिया है। फॉर एग्जांपल अगर आपका एमए हिस्ट्री है और आपने यहाँ पे हिंदी वाला जेनेरिक सब्जेक्ट लिया है तो आपको जेनेरिक सब्जेक्ट की जो डेट शीट है वो हिंदी वाली डेट शीट में मिलेगी। फॉर एग्जांपल आपका हिस्ट्री है, आपने पॉलिटिकल का जेनेरिक सब्जेक्ट लिया है तो आपको डेट शीट जो है वो जेनेरिक सब्जेक्ट की पॉलिटिकल वाली डेट शीट में मिलेगी। सेम ऐसे ही अगर आपका पॉलिटिकल साइंस में जो है वो एमए आप लोग कर रहे हो और आपने हिस्ट्री वाला जेनेरिक सब्जेक्ट लिया है तो आपको जो डेट शीट है वो हिस्ट्री वाली डेट शीट में मिलेगी जेनेरिक सब्जेक्ट की। जैसे सेम यहाँ पर आपका एमकॉम है और आपने एमए इकोनॉमिक्स का जेनेरिक सब्जेक्ट यहाँ पे अगर लिया हुआ है तो आपको जो डेट शीट है एमकॉम में जेनेरिक सब्जेक्ट वाली वो एमए इकोनॉमिक्स वाली जो डेट शीट है उसमें मिलेगी। तो जिस आपने सब्जेक्ट का जेनेरिक सब्जेक्ट लिया है उसी की जो डेट शीट है उसमें मिलेगी। यानी कि जैसे आपका हिस्ट्री तो हिस्ट्री में आपको वो नहीं मिलेगी, आपको जैसे हिंदी का जेनेरिक सब्जेक्ट लिया तो वहीं पर जो है वो आपको वो सब्जेक्ट की पर्टिकुलर जो डेट होगा एग्ज़ाम की तो वहाँ पर वो मिलेगी। नेक्स्ट अब अगर हम लोग यहाँ पे एच पी यू रिजल्ट्स की बात करें तो एच पी यू ने जो है वो यहाँ पे आपका बीएससी सेकंड सेमेस्टर का जो री अपेयर का रिजल्ट है वो जारी कर दिया है। इसी के साथ बीए और बीकॉम के कुछ एक के जो री अपेयर के रिजल्ट है वो भी जारी हुए हैं। बाकी जिनके जारी नहीं हुए हैं उनके भी रिजल्ट भी यहाँ पे 2-3 दिन में जो है वो अपडेट हो जाएंगे। इसी के साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि जो री इवैल्यूएशन के रिजल्ट हैं वो कब तक जारी होते हैं तो नॉर्मली जो री इवैल्यूएशन के रिजल्ट हो हैं वो यहाँ पे फॉर्म फिल करने के विद इन 3 मंथ्स में आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ एक स्टूडेंट्स के रिजल्ट जो हैं वो लेट आते हैं। एक तो लेट आने का ये रीज़न है कि उनकी चेकिंग लेट हुई और दूसरा यहाँ पे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि उनका जो फॉर्म है वो ही अप्रूव नहीं होता है। जैसे वो अपने स्टूडेंट आई डी पे लॉग इन करते हैं तो वहाँ पर वो उनको देखा मिल जाता है कि जो कॉलेज लेवल है वहाँ से उनका जो ये फॉर्म है वो अप्रूव नहीं हुआ था, यूनिवर्सिटी लेवल से भी वो फॉर्म अप्रूव नहीं हुआ है। तो जैसे उनका फॉर्म अप्रूव नहीं होता उसी की वजह से भी उनका रिजल्ट जो है वो लेट आता है। तो फॉर्म अप्रूव करवाने के लिए वो अपना फॉर्म जो है वो कॉलेज में सबमिट करवा दें या कॉलेज में जाके क्लर्क से जो है वो अपना री इवैल्यूएशन का फॉर्म यहाँ पे अप्रूव करवा लें। जैसे अप्रूव हो जाएगा उनका रिजल्ट जो है जल्दी आ जाएगा। तो मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पे यही गलती करते हैं कि उनका जो फॉर्म है वो अप्रूव नहीं होता है और उसी की वजह से उनके रिजल्ट में जो है वो डिले होती है। तो जब भी आप री इवैल्यूएशन फिल करो, अगर आप लोग यहाँ पे जो रेगुलर स्टूडेंट हो तो आप अपने कॉलेज में जाके अपना री इवैल्यूएशन का फॉर्म जो है वो वहाँ से अप्रूव करवा लो। अगर आप यहाँ पे प्राइवेट स्टूडेंट हो तो आप लोग जो है वो यहाँ पे डिप्टी एग्जामिनेशन या जो आपका डिप्टी रजिस्ट्रार एग्जामिनेशन है 2, तो आप लोग उनको भी जो है वो अपना री इवैल्यूएशन का फॉर्म जो है वो सेंड कर सकते हो बाय पोस्ट और वहाँ से आपका फॉर्म अप्रूव हो जाएगा और जल्दी ही आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो मैक्सिमम रीज़न यही है रिजल्ट लेट आने का कि आप लोगों का जो फॉर्म है वो वहाँ पर अप्रूव ही नहीं होता है। तो यहाँ पे जो भी स्टूडेंट है जिनका फॉर्म अप्रूव नहीं हुआ वो अप्रूव करवा ले, जिनका अप्रूव हो जाता है उनका रिजल्ट भी यहाँ पे जल्दी आ जाता है। और जो मैक्सिमम यहाँ पे जो मिनिमम टाइम है वो विद इन 3 मंथ जो है वो रखा गया है, बाकी उससे ज़्यादा टाइम भी जो है वो लग जाता है। तो दोस्तों ये तुम्हारे आज के कुछ एक अपडेट्स, अगर आपको कोई वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो ऐसे अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।